हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेडियन और डिग्री मेजर के बीच में डिफरेंस और उसके कन्वर्जन और वैल्यूज। आज हम चालू करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके, सो आपने अर्लियर क्लासेस में 0 से 90 तक बेसिक एंगल्स की वैल्यू तो देखी होगी, जैसे कि साइन कॉस टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60। इसकी वैल्यू कहते हैं 0, 1, 0, 1/2, √3/2, 1/√3। 45 की क्या थी? 1√2, 1√2। 160 की क्या थी? √3/2, 1/2, √3। ओके, अर्लियर क्लासेस में ये बेसिक वैल्यूज आपने देखी हुई हैं, साइन को साइन टाइम की। ओके, तो ये थी 0 से 90 तक। पर अब 11th क्लास में हम अब पढ़ेंगे पूरे 0 से 360 तक इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। ओके, सो अगर हम एक सर्कल माने जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल है जिसमें ये पॉइंट 0 है, यहां से एंगल चालू होता है और यहां पहुंचते पहुंचते वापस यहां पे 360 डिग्री पे आ जाता है। ओके, तो ये रहा 0 से 90। यहां तक हमने अर्लियर क्लासेस में एंगल्स की वैल्यू निकालना देखी थी, पर अब हम देखेंगे कि यहां पे और यहां पे कैसे निकालते हैं। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम ये देखेंगे, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक वैल्यूज निकाली, अब हम बाकी क्वाड्रेंट्स में वैल्यू निकालना देखेंगे। उसके लिए हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि साइन और कॉस, साइन और कॉस हर 360 डिग्री रेवोल्यूशन के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। ओके, इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये 30 डिग्री है, हमको इसका साइन निकालना है और एक और एंगल दिया 390 डिग्री। 390 डिग्री क्या होगा? 0 से चालू किया, 90, 180, 270, 360 तक आया और फिर 30, तो 390। तो यहां पे 390 डिग्रीज भी बोलेंगे इसको। ओके, इसका मतलब यह है कि साइन हर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू फिर रिपीट करता है, यानी कि जितनी वैल्यू साइन 30 डिग्री की होगी उतनी वैल्यू साइन 390 डिग्री की होगी। कॉस में भी यही है, जितनी वैल्यू कॉस 30 की होगी उतनी वैल्यू कॉस 390 की होगी। तो अगर एंगल ने एक रोटेशन पूरा किया तो फिर वापस से वही वैल्यूज रिपीट होंगी, फिर एक रोटेशन पूरा किया फिर वापस से वही वैल्यूज रिपीट होंगी। तो साइन में ऐसा होता है, कॉस में ऐसा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक में ऐसा होता है, और फिर कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक में भी ऐसा ही होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 0, 180, 360। इनका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो 360 के बाद ये वापस वैसे ही होते हैं, यानी कि जो ग्राफ 0 से इनका हो रहा था 360 के बाद वापस वही ग्राफ रिपीट होता है, इसलिए इनकी वैल्यू 360 के बाद वापस वही रहती है जो 0 से 360 के बीच में। ओके, अब इन चार में तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं टैन और कॉट की। टैन और कॉट में हर 180 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, जैसे साइन में 360 के बाद हो रही थी, टैन में 180 के बाद होती है, यानी कि 0 से 180 की वैल्यू हो गई, फिर जो वैल्यूज यहां से होंगी वो फिर वापस 0 वाली वैल्यूज ही होंगी, फिर यहां आई फिर वापस वही वैल्यूज,
तो जहां पे इन चारों फंक्शंस के एक पूरे रेवोल्यूशन के बाद वैल्यू रिपीट होती है, कॉट और टैन की वैल्यू आधे रेवोल्यूशन के बाद पूरी होती है। ओके इस तरीके से हम इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब 0 से 360 के बीच में वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस है या कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है, उसका साइन क्या है। अगर हम उसका साइन नहीं पता होगा तो पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पूरे 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों फंक्शंस नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों फंक्शंस नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। सो अब इजी हो गया है कि हम हर क्वाड्र जैसे अगर कोई एंगल हमें दिया 260 डिग्री तो वो 180 से 270 के बीच में है, तो वो कहीं यहां आएगा 260 डिग्री इधर आएगा। ओके अब अगर कोई बोले साइन 260 निकालना है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम ये देखेंगे कि साइन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो उसमें माइनस का साइन लगा देंगे। अगर कोई बोलेगा टेन 260 निकालना है तो हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि टेन यहां पे पॉजिटिव है तो हम उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। इसलिए इनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फंक्शंस के। अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं, इफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाय फाइव एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें दिया है cos x की वैल्यू -3/5 और x है यानी कि एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है, tan और cot। अब हमको बाकी 5 फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो cos x ही है तो हमें पता है sec x is equal to 1/cos x, तो sec x आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/cos x यानी कि -5/3। ओके एक फंक्शन तो हमने निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं साइन। तो अब यहां पे आपको आइडेंटिटीज जो आपने लर्न करी है वो याद होना चाहिए और आप बुक से वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं नोट से। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पे यूज किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर 9/25 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो वो प्लस या माइनस हो सकता है, पर यहां पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि, इसलिए साइन नेगेटिव होगा तो हम वैल्यू यूज करेंगे -4/5। तो हमारे पास साइन भी आ गया है -4/5। अब साइन से हम बहुत इजीली कोसेक निकाल सकते हैं क्योंकि 1/sin इज इक्वल टू कोसेक, तो कोसेक क्या हुआ आ गया, इसको 1/ कर देंगे -5/4, कोसेक भी हमारे पास आ चुका है। फर्दर
अब हमको निकालना है टेन और कॉट निकालना है। तो टेन क्या हो जाएगा, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ये भी आपको याद होना चाहिए, अर्लियर क्लासेस में आपने लर्न किया है। तो वो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी कि 4/3। और यहां पे टेन और कॉट प्लस में है ही, तो इसका साइन प्लस रहेगा। कॉट होता है 1/10 यानी कि ये ऊपर गया 3/4। तो हमने बाकी सारे पांच फंक्शंस की वैल्यू इस एग्जाम्पल में निकाल लिए। सो स्टूडेंट्स, अब आपको सॉल्व करना एक्सरसाइज सेकंड एनसीईआरटी की।